मैडम जी एक मिनट। किसान मजदूर नौजवान छात्र और सभी कर्मचारी जितने पक्के कर्मचारी हैं वो भी आपके साथ है। दूसरी स्पेशल बना रखी है वो लेके आते हैं। अरे दूसरे चौटाला के घर के आगे खड़ी है प्रमाणित खड़ी है गाड़ी और ये 5 साल खड़ी रहेगी गाड़ी उसके घर के आगे 5 साल। टीका लगा रही जड़ में तो है नारे सभी को मेरा नमस्कार। इस सर्दी के मौसम में आप लोग इतनी अच्छी गैदरिंग करके बैठे हो, मेरे फंक्शन में भी नहीं आते, इसके लिए भी मैं बधाई देती हूँ आपको। चलो जो भी आपकी डिमांड है, आपने मेमोरेंडम मुझे पहले भी दिया है, आज भी दिया है, सरकार को पहुंचा दिया जाएगा, डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों को दे दिया जाएगा। आपकी लोकल डिमांड कोई भी है वो कल के लिए 11 बजे टाइम दिया है, डीसी साहब ने भी टाइम दिया है, तो एसडीएम साहब के रूम में बैठ के हम बात कर लेंगे। आपकी लोकल जो भी डिमांड होगी उनको मेरे लेवल पे जो होगी उसको पूरा किया जाएगा, ठीक है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि ये ठंड का मौसम भी है और दूसरा कोविड का मौसम भी है, इसमें कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रख के आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दें कि कोविड के तहत अब गैदरिंग इतनी और धरना कम करके ना करें आप लोग, और इसको थोड़ा आगे ले जा सकते हैं आप अपने कोविड इस धरने को भी, तो कोविड में इस प्रोटोकॉल को ध्यान करें। और अब भी आप अपनी स्ट्राइक को, मैं आपको खत्म करने का, मैं तो यही कहती हूँ कि आप इसको खत्म करें, इस धरने को समाप्त करें और अपने सेंटरों में लौट जाए, यही रिक्वेस्ट है मेरी तो आपसे। आपकी जो डिमांड है वो आपने पहुंचा दी है पहले भी सरकार को, हरियाणा सरकार के पास भी पहुंची है, विभाग के पास भी पहुंची है, हमारी कमिश्नर मैडम से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो वो आपकी डिमांड पे ध्यान दे रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी डिमांड को माना जाएगा, जो आपकी जेन्युइन डिमांड है उनको माना जाएगा। तो मेरी आपसे फिर से अपील है कि आप ये धरना प्रदर्शन खत्म करके और आप सेंटरों में लौट आए ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू। मैं शकुंतला जागलान, कार्यकारी जिला की। आज हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी आईडी लेके आए हैं, हम जेल में जाएंगे। कल हमें डीसी साहब के वहाँ ऑफिस के आगे ये नोटिस भी दिया था भी हम जेलों में जाएंगे और जेलों की सफाई करा लो और यहाँ खाना पीना का इंतजाम करो, ये हम रुकेंगे। सारी बहनें दो दो सूट लेके आई हैं साथ में, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम नहीं लेंगे। 15 तारीख तक का तो हमारा है ही नोटिस दिया हुआ है, अगर आगे भी मांग हमारी नहीं मानी गई हम लगातार हड़ताल पे जारी रहेंगे। मैं राजेश बाकर, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ जिला सिरसा से। आज 37 दिन हो गए लगातार पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो है सड़कों पे आंदोलनरत हैं। इनकी मांग है कि 750 रुपये हेल्पर का और 1500 रुपये वर्कर का माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कोविड के अंदर जो इनको कोविड का मुखिया बताते हुए इनकी घोषणा की थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसको आज तक प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। दूसरा, 2018 के अंदर आंदोलन के दौरान और पूरी विधानसभा के अंदर सेशन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी और घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को पूरे हरियाणा के अंदर जो 52,000 वर्कर्स और हेल्पर है इनको कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दिया जाएगा। बावजूद इसके 3-3, 4-4 साल गुजर जाने के बाद आज हालात ये हैं कि सरकार से जब ये घोषणाओं की जो बात की गई, जो आंदोलन के दौरान जो मुख्य मांगे मानी गई उनको लेकर के जो ये सड़कों पर आंदोलन कर रही है, सरकार इसको सुनने वाली नहीं है और लगातार 3-4 दौर की बात वार्ता हो चुकी है, सरकार फिर भी उस अपनी ही की गई घोषणाओं को लागू करने में हिचकिचाहट पैदा कर रही है। तो इसलिए आज भारी रोष में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पूरे हरियाणा के अंदर तमाम जिला मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन में अपनी शिरकत दे रही है। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से भी तमाम महकमों ने इस आंदोलन में कूच करने की घोषणा की है। तो आज जेल भरो आंदोलन के दौरान हम प्रदेश की सरकार को कहना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की राज्य कमेटी के साथ बैठ करके इनकी समस्याओं का समाधान करें और कुछ दिन पहले जो प्रदेश की सरकार ने
आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को बर्खास्ती के जो ऑर्डर किए हैं उसकी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कठोर शब्दों में निंदा करता है। उन ऑर्डरों को बर्खास्ती को वापस लो और टेबल पे आके बातचीत करके इनकी समस्याओं का समाधान करो। इनकी कोई अलग से डिमांड नहीं है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो घोषणाएं हैं उनको ही इम्प्लीमेंट करने का सवाल है। तो जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इनके उत्पीड़न का जो दमन है वो बंद नहीं होगा, केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ आंदोलन का मोर्चा जारी रहेगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश सरकार को चेतावनी देता है कि अगर इनका समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव या जल्द से नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर और महकमों को भी सड़कों के ऊपर उतरते हुए एक हड़ताल की ओर जाने का कार्यक्रम करना पड़ेगा, जिसकी तमाम जिम्मेवारी राज्य और केंद्र सरकार की होगी। धन्यवाद। देखो, ये सरकार ने इन्होंने जंगा मानना चाहिए, क्योंकि जी मातृशक्ति है, इन्होंने घर गृहस्थी भी सामना आंदा है, सवेरे बेचारियां साम के इन्होंने कई बहुत लंबे इन्हें संघर्ष लड़े। सरकार ने इन्हों के संघर्ष को देखते हुए ये मंगा मननिया चाहिए। अगर ये मंगा नहीं मानते, सरकार ने इन्होंने कोई जाति कर दी है तो हरियाणा किसान मंच की टीम इन्होंने खड़ी है। अज कोई इन्होंने जाति होंगी है तो असी कॉल देकर हो सकता कोई हाईवे रोड जाम करिए, जो करिए सरकार जो धक्का करू से इन्होंने खड़ी।